जैसी राधे, बिल्कुल ठीक बात है। फल खा सकते हैं, खरबूजा खा सकते हैं, लेकिन तरबूज को लाल होने की वजह से, लाल रक्त वर्ण होने से उसमें रजोगुण की अधिकता होती है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। गाजर को भी एकादशी तो क्या चले, सामान्य दिनों में भी कुछ वैष्णव लोग नहीं खाते, क्योंकि उसका भीपरण कुछ कुछ ऐसे हड्डी जैसा और लाल जैसा है। ऐसे ही टमाटर कुछ लोग खाते हैं, नहीं खाना चाहिए। अदरक भी नहीं खानी चाहिए, तामसिक होती है, तीव्र होती है, राजसिक होती है। कुल मिला के जो एकादशी पर खाना है, पहली बात तो खाना ही नहीं है, निर्जल रहना है। फिर खाना भी है तो फल फूल कंदमूल, तो फल एक आध फल खा लो। अब टमाटर भी खाना है, अदरक भी खानी है, जीरे का चौंक भी लगाना है, धनिया भी लगाना है, तो स्वाद का त्याग कहाँ हुआ? एकादशी पर स्वाद का त्याग करते हुए शरीर मर न जाए, शरीर में कष्ट ना हो जिससे भजन में बाधा हो, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ खा लेने की आज्ञा दी गई है, छूट दी गई है। तो टमाटर भी जो लोग खाते हैं वो गलत खाते हैं, टमाटर नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। टमाटर तो सामान्य दिनों में भी, बिहारी जी में, राधा रमन जी में टमाटर सामान्य दिनों में भी भोग नहीं लगता है लाल होने के कारण। टमाटर और तरबूज, अदरक और भी लाल लाल जैसे चुकंदर, ये सब चीज़ें नहीं भोग लगती है सामान्य दिनों में। एकादशी के दिन में तो राजसिक तामसिक चीज़ें कुछ भी नहीं खानी चाहिए, कायदा यही है। बाकी तो जो है अब आजकल सब अपनी मनमानी करते हैं, जैसा करें ठीक है, उसमें भी हर्ज तो है ही है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय निताई।